नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल एनआरजे फाइनेंस पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही कम समय लेते हुए डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स, और उसके साथ में कुछ सेलेक्टेड स्टॉक्स हैं, उनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं। उससे पहले, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के अपडेट देता रहता हूँ। साथ में जो भी कॉल्स बनता है, समझ में आता है मुझको, मैं चीज अपडेट कर देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। पहले निफ्टी को अगर आप देखोगे, एक चैनल पे चला आ रहा था वर्ली चार्ट पे, फाइनली आज ये गैप डाउन ब्रोकन हुआ, और उसके बाद जो हमारा एक सपोर्ट था, देखिए 12,030 और 80 वाला, मैंने पहले भी बोला था, वो ब्रेक हो गया। और उसके बाद में 11,980 का सपोर्ट और मैंने टेलीग्राम चैनल पे ही अपडेट कर दिया था, तो वो भी कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ, और उसके बाद में जो क्लोजिंग आई है निफ्टी की, वो है 11,980 की। अब यहां से देखिए दोस्तों, निफ्टी में अगर अभी कल भी सेम ट्रेंड अगर कंटिन्यू होता है, या फिर कुछ यूएस और ईरान में फिर से कुछ अगर गड़बड़ हो जाती है, तो जो थोड़ी बहुत सेलिंग और देखने को मिलनी बाकी है वो डेफिनेटली मिलेगी, और हमें जो लेवल्स डाउन साइड में मिल सकते हैं वो 11,968 और देन 11,900, देन 11,860 तक के लेवल आ सकते हैं। तो अगर हम लोग लेवल्स की बात करें, बिना समय गंवाए सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। दैट इज 11,968 इसका मेन सपोर्ट नहीं, पहला सपोर्ट होगा ये आप बोल सकते हो। फिर अगर वो ब्रेक होता है देन 11,930, देन इंपॉर्टेंट सपोर्ट की अगर बात करें, की सपोर्ट जो है वो हमारे ये रहेंगे, आई मीन 11,900 एंड 11,860। 860 के नीचे क्लोजिंग आती है देन डेफिनेटली विल गो फॉर 11,800-790 ऑलमोस्ट। तो ये चीज देखनी रहेगी, और कल के लिए बता दें, अगर मार्केट को थोड़ा स्टेबल होना है तो इसको जो क्लोजिंग देनी होगी डेफिनेटली 11,960 के ऊपर ही क्लोजिंग रखनी होगी। अदरवाइज जो हमें लेवल्स हैं, 11,800 वाले लेवल्स इजिली मिल सकते हैं। तो कल की ट्रेडिंग डे की बात करें, तो ये जो दो सपोर्ट है, 11,900 और 11,860 की सपोर्ट रहेंगे। रेजिस्टेंस की बात करें ऊपर की तरफ, जब तक 12,020-30 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, सस्टेन नहीं करता निफ्टी इसके ऊपर, तब तक हमारे ये जो दो रेजिस्टेंस है, यानी 12,080 और 12,135 का जो रेजिस्टेंस है, वो मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा। ओवरऑल अगर बात करें, देखिए आज जो एक ठीक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली, 250 पॉइंट डाउन गया निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 800 प्लस पॉइंट डाउन गया है। तो अगर कल की भी बात करें, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सेलिंग कल भी देखने को मिल सकती है, तो इस चीज पर जरूर नजर रखेंगे कि कल मार्केट की क्लोजिंग क्या आती है। अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग एक बार ऑप्शन चैन डेटा को देखते हैं। ऑप्शन चैन डेटा को अगर आप देखोगे, ये 30 जनवरी यानी मंथली है, तो मंथली लेवल पे भी आप देखोगे 12,000 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट 3.47 लाख का फ्रेश कॉल राइटिंग है यहाँ पर, यानी रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, और उसके बाद में यहाँ से पुट राइटिंग अनवाइंड हुई है ऑलमोस्ट 1.5 लाख की, यहाँ से थोड़ा यानी कि लोग पीछे हटे, और पीछे हट करके 11,800 के आसपास में जाकर के लोग सपोर्ट ले रहे हैं, वहां पर राइटिंग हो रही है। और बट ओवरऑल अगर आप वही देखोगे, ऑलमोस्ट 38 लाख का है, तो कहीं ना कहीं देखिए कांटे की टक्कर रहेगी 12,000 के लेवल पे, यानी अच्छा खासा यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया जाएगा। सपोर्ट की बात करें, 11,850 और 800 की जो रेंज होगी, अच्छा सपोर्ट का काम करेगी। अब चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी दोस्तों देखिए, अभी जो एक नेक्स्ट सपोर्ट अब बचा हुआ वो है 31,130 के आसपास का। अगर 130 यानी 31,130 ब्रेक होता है, देन 31,000 विल बी द की सपोर्ट, और अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक होता है, देन वी विल हैव 30,900 एंड देन 30,780 के। तो बैंक निफ्टी में देखिए, सपोर्ट की बात करें, 31,130, 30,990, देन 30,900। अब अगर बैंक निफ्टी में कल का की सपोर्ट रेंज मैं बता दूं, आई मीन जिसके नीचे एक शार्प मूव आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है, तो वो जो रेंज रहेगी 31,000 से लेकर के 30,900 वाला लेवल, यानी इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी लगातार सस्टेन कर जाएगा 30,900 के नीचे, देन वी माइट सी 30,780, और तो यानी एक शार्प मूव आपको नीचे मिल सकता है। रेजिस्टेंस की बात करें, जब तक देखिए बैंक निफ्टी 31,330 के अब ऊपर नहीं रहेगा, उसके ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, तब तक हम लोगों के लिए 31,425 और 31,600 थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो कल देखते हैं बैंक निफ्टी का भी क्या लेवल चलता है। इसके बाद में दोस्तों, कल मैंने डिस्कस किया था, आई मीन फ्राइडे जब मार्केट क्लोज हो रहा था, तभी उस टाइम में मैंने एक बीटीएसटी कॉल दिया था रिलायंस का,
1480 पी यानी 1480 पी का उस टाइम पे ये ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 15-16 रुपीज़ में, तब मैंने इसका कॉल दिया था और टारगेट था मेरा 20-25 और 28 का। फाइनली आज 29 इसने हाई बनाया रिलायंस 1480 पी ने, और डेफिनेटली जिन्होंने कॉल ट्रेड किया होगा उनको प्रॉफिट हुआ होगा अच्छा खासा। बैंक निफ्टी की बात करें, फ्राइडे मैंने ऑलरेडी बता दिया था, इफ क्लोजेज बिलो 32,000 देन वी कैन सी 31,700 एंड 31,500। तो ये देखिए टेलीग्राम चैनल पे मैंने क्लियर बोल दिया था और आज ये 31,500 के लेवल भी हमें अचीव हो चुके हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ऐप में जाइए, सर्च कीजिए एनआरजे फाइनेंस और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे आपको डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया जाएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के बारे में। तो पहले आईटी स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों आईटी स्टॉक की बात करेंगे, माइंडट्री। माइंडट्री एक देखिए लगातार चैनल में चल रहा है, अप मूव पे अप मूव बनाता जा रहा है। उसका रीजन है अभी देखिए यूएस डॉलर जो है वो इंडियन रूपी के अगेंस्ट स्ट्रांग होता जा रहा है, और जब यूएस डॉलर स्ट्रांग होगा रूपी की वैल्यू कम होगी, डेफिनेटली आईटी स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये इनके लिए प्लस पॉइंट है क्योंकि उनका बिजनेस भी डेफिनेटली यूएस में अच्छा खासा, और फिर यूएस के जो नेबर कंट्रीज हैं फिर यूरोप में, तो वहां से अच्छा खासा एक बिजनेस रहता है आईटी कंपनीज का, तो डेफिनेटली एक फायदे की बात है इन कंपनीज के लिए। तो हम नेक्स्ट लेवल माइंडट्री की हम लोग बात कर रहे हैं, 835 और 840 तक के अभी हमें टारगेट आने बाकी हैं, तो देखते हैं कल आता है या फिर एक दो दिन बाद आता है। नेक्स्ट स्टॉक होगा एनआईटी टेक, हाई पे हाई चल रहा है, इसमें एक वेव पैटर्न बना हुआ है अच्छा खासा। तो यहाँ से देखें नेक्स्ट लेवल अभी भी जो एक्सपेक्टेड होंगे वो 1670 और 1680 तक के लेवल थोड़ा एक्सपेक्टेड है इसमें, तो देखते हैं वो लेवल हमें मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक की बात करोगे वो भी आज स्टेबल रहे, उतना इन्फोसिस थोड़ा डाउन गया बट एचसीएल टेक और टीसीएस स्टेबल रहे हैं। इनमें कोई चेंज नहीं है बिकॉज डेफिनेटली कहीं ना कहीं फिर से वही डॉलर और इंडियन रूपी वाली बात आ जाती है। इसके अलावा 9 जनवरी को टीसीएस का रिजल्ट है, तो टीसीएस पे भी थोड़ी नजर रखेंगे, कल उसके लेवल डिस्कस करेंगे। अब चलिए बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस में 1480 अभी एक्सपेक्टेड है, आज 1500 तक आ गया रिलायंस, ये गैप फिलिंग हो गई है रिलायंस में। 1480 तक के लेवल देखते हैं आते हैं कि नहीं, बट देखिए जो एक सपोर्ट रिलायंस के पास अब बनता है वो सपोर्ट बनता है ऑलमोस्ट 1465 यानी 1465 के आसपास में एक सपोर्ट बनेगा, 1460 और 65 के बीच में। उसके पहले जो एक इसके पास सपोर्ट होगा वो 1480 कराएगा। नेक्स्ट स्टॉक है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया में दोस्तों अपने ऑलमोस्ट ये सपोर्ट के पास में इसने क्लोजिंग दी है, तो 1700 यानी 1700 इसका सपोर्ट है। अगर बाटा इंडिया 1700 के ऊपर लगातार सस्टेन कर जाता है देन डेफिनेटली इट कैन गो 1720 यानी 1720 और 1725 तक के लेवल ऊपर की तरफ बन सकते हैं। नीचे की बात करें अगर 1700 के नीचे कंटिन्यू करता है ट्रेड को तो 1680 आपको मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएसयू स्टॉक। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में देखिए जो एक रेंज होगी स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का, जो फेयर प्राइस होगा वो होगा ऑलमोस्ट 93 से 90 के बीच की रेंज में। यानी अगर देखिए एक तो इसका सपोर्ट 93 का है तो यहां से रिवर्सल पॉसिबल है, अदरवाइज 93 के नीचे अगर ये आता है तो 92-91 का जो रेंज रहेगा वो एक एक्यूमुलेशन के लिए अच्छा फेज रहेगा और एक अच्छा सपोर्ट भी है स्टॉक के लिए। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में 521 का भी एक अच्छा सपोर्ट है, 521 अगर ब्रेक होता है देन वी कैन सी 517 एंड 509 एज वेल। तो देखिए 509 एक अच्छा सपोर्ट है इसके लिए, बट अगर एक्यूमुलेशन की बात करेंगे या फिर एक हम मुझे लगता है जो रिवर्सल पॉसिबल है वो कहीं ना कहीं आपको 521, अदरवाइज जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट है 517 515 की रेंज में, तो यहां से हो सकता है। फिलहाल रिवर्सल का वेट करें स्टॉक में, तभी आप एक्यूमुलेट कीजिएगा इसको। अब चलिए बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक में देखिए 1260 तक के लेवल एक्सपेक्टेड थे कल के वीडियो में जो मैंने बोला था, फ्राइडे को बोला था, वो सपोर्ट यानी 1260 का सपोर्ट टूटा एंड वी गॉट 1240 एज वेल। अब देखिए अगर इसके नीचे भी एक सपोर्ट रेंज है एचडीएफसी बैंक के लिए 1238 के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करेगा देन वी कैन गेट 1228 यानी 1227 1225 तक के लेवल अभी इसमें आने बाकी हैं एचडीएफसी बैंक में। कैनरा बैंक की बात करें 207 पे इसने क्लोजिंग दी है जो कि इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है, और सपोर्ट के पास में दोस्तों क्लोजिंग है। अगर
कल ये स्टॉक यहीं पे सस्टेन कर जाएगा तो डेफिनेटली कुछ चांस बनेंगे रिवर्सल के, और फाइनली हमें जो ऊपर की तरफ टारगेट दिख सकते हैं 213 तक के टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, अगर 207 के नीचे कंटिन्यू ये ट्रेड करने लगा, देन वी कैन सी 205 एंड 203 इसके नेक्स्ट सपोर्ट होंगे। तो थोड़ा केनरा बैंक में नजर रखिएगा क्योंकि ये ऑलमोस्ट अपने स्ट्रांग सपोर्ट लेवल पे है, यानी कि इसका जो सपोर्ट है शॉर्ट टर्म में 206 205 का, उसी के पास में है। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट रेंज इसकी जो आएगी ऑलमोस्ट 200 196 के बीच में रहेगी। नेक्स्ट स्टॉक है SBI। SBI भी आज अच्छा खासा गिरा, 14 पॉइंट्स का डाउन ट्रेंड इसमें रहा है। अब देखिए SBI में जो एक सपोर्ट था 327 वो ब्रेक हुआ, फिर 325 भी ब्रेक हुआ, फाइनली 318 पे आकर के इसने सस्टेन किया है, एक क्लोजिंग दी है। अभी भी इसमें देखिए चांसेस रहेंगे क्योंकि मार्केट इतनी जल्दी आज इतना अच्छा खासा, बैंक निफ्टी 800 पॉइंट गिरा ऑलमोस्ट, निफ्टी ऑलमोस्ट 250 पॉइंट नीचे गया आज, तो देखिए अभी भी इतनी जल्दी ऐसा तो कल एक्सपेक्टेड नहीं है फिलहाल कि एकदम से आपको कल रिवर्सल दिख जाए और फिर से ऊपर की तरफ 200 और 150 पॉइंट का अप मूव दिख जाए। बट मार्केट है, कुछ कह नहीं सकते हैं, बट स्टिल अभी भी जो देखिए थोड़ी बहुत कसर बाकी रह गई है। तो ये स्टॉक आपको 315, 315 और 309, यानी 309 और 315 तक के लेवल नीचे में दे सकता है, और ये 315 और 309 इज द सपोर्ट फॉर SBI बैंक। HDFC की बात करें, अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, एक हाई इसने फिर से दिया था जो कि 2472 का था, फाइनली अभी देखिए इसकी क्लोजिंग है 2389 के आसपास में। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है कल के देखिए मार्केट से पता चल जाएगा, और पूरे चांसेस भी हैं देखिए इसको कंटिन्यू करने के, तो नेक्स्ट इसके सपोर्ट जो हैं वो 2364 यानी 2360 का एक सपोर्ट है। इफ दैट सपोर्ट इज ऑल्सो ब्रेकन देन दिस सपोर्ट इज द गुड वन, दैट इज 2320 यानी 2320 तक का सपोर्ट इसमें आता हुआ नीचे की तरफ दिख सकता है स्टॉक में, तो नजर बना के रखिएगा। वेदांता की बात करें, वेदांता का मैंने कल ही चार्ट एनालिसिस मैंने इसका पोस्ट किया था, बोला था आपको इसका जो एक फेयर प्राइस रेंज होगा एक्युमुलेट करने के लिए वो 150 से 147 के बीच में होगा, तो इसकी क्लोजिंग 150 के आसपास में है, सपोर्ट अभी बाकी है 147 का। तो अगर कल भी ये स्टॉक इधर चलता है तो 147 तक के लेवल नीचे की तरफ दे सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं, देखते हैं कल क्या मार्केट का ट्रेंड होगा। हैप्पी ट्रेडिंग।